दोस्तों बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी ने बीते साल 2021 के दिसंबर में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। अहान शेट्टी ने मिलन लोथारिया के डायरेक्शन में बने बॉलीवुड फिल्म तड़प से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ तारा सुतारिया नजर आई थी। बताते चले कि अहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प तेलुगु फिल्म RX 100 का हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी लव स्टोरी पर बेस्ड थी। फिलहाल खबर आ रही है कि अहान शेट्टी अपनी दूसरी फिल्म को लेकर तैयार है। उन्होंने दूसरी फिल्म को साइन कर ली है और अगले साल 2023 की शुरुआत में फिल्म की शूटिंग करने के लिए पूरी तरह वह तैयार है। जी हाँ, अहान शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म के लिए तैयारी का काम शुरू कर दिया है और साल 2023 की शुरुआत में इसकी शूटिंग करने की पूरी उम्मीद है। ये एक एक्शन फिल्म है और इसे साउथ के फिल्म मेकर द्वारा डायरेक्ट किया जाएगा। अहान शेट्टी इस फिल्म को करने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके लिए दरवाजे खोलेगी। फिल्म की शूटिंग पूरे भारत में की जाएगी और एक इंटरनेशनल शेड्यूल भी होगा। जी हाँ, रिपोर्ट में आगे बताया गया कि अहान शेट्टी की ये फिल्म एक्शन से भरपूर इमोशनल थ्रिलर होगी। फिल्म में अहान शेट्टी का किरदार द ग्रे मैन के रियान गॉसलिंग पर बेस्ड है। उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट में इशारा भी किया है। उनकी ये फिल्म साल 2023 के लास्ट में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी। हालांकि अभी तक फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं फिल्म की एक्ट्रेस को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिली है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगते हैं अहान शेट्टी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल टॉप मस्त को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।